साकेत। अभी हाथ आ गया आपका, मैं माफ कर दूंगा। और कादरी साहब जो है वो उनकी अपनी जाहिर सी बात है सिलसिला कादरिया, वो अपनी जगह है। और वो जब हम जबर और अख्तियार के फलसफे पे जाते हैं तो एक ऐसा फलसफा जब मंतिक बन जाता है तो उसके सफर इमाम दिल की धड़कनों की तरह ये जो दाई दानी हजरात खड़े उनसे गुजारिश है कि दाई दानी बड़ी कुर्सियां खाली हैं। अरे ये इसलिए थोड़ी कहा था भाई, मैं वहीं आ जाऊंगा आपके साथ। आइए तशरीफ लें। फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से आज हमारे इस अदब व तहजीब के शहर लखनऊ में इस उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद किया गया है। इसके लिए मैं तमाम मुंतजमीन को ऑर्गेनाइजर्स को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नई नस्ल तक ये पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है कि उर्दू ज़बान कोई बाहर की ज़बान नहीं है बल्कि खालिसतन अपने मुल्क की ज़बान है। ये इसकी पैदाइश इसी मुल्क में हुई है, यहीं पे ये परवरिश पाई है। और इसमें इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर किसी मज़हब से नहीं है, बल्कि आप देखें तो उर्दू या शेर और अदब में बड़े पैमाने पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी अपना कलम उठाया है। और अगर आम ज़बान में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इस सिलसिले में मुंशी प्रेमचंद साहब से सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो लिहाजा उर्दू एक शीरीनी और एक मीठी ज़बान है, इससे इंसान जब उर्दू से वाकिफ़ होता है और उसको बोलना शुरू करता है तो उसके अंदर अपने आप उसकी ज़बान में मिठास पैदा हो जाती है और वो अपने आप अदब और तहजीब से मुंसलिक हो जाता है।